दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकता है B-21 रेडर राफेल से खतरनाक और रैडर को चमका देगा आधुनिक बॉम्बर B-21 विमान छठे जनरेशन का एक लौता एयरक्राफ्ट। परमाणु युद्ध कगार पर पहुंची रूस, यूक्रेन की लड़ाई चंद घंटों में लाखों मौतों का खतरा, दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा। स्पेन के यूक्रेनी दूतावास में धमाका, धमाके के बाद दो लेटर बमों से हड़कंप, आतंकी घटना की आशंका, जांच शुरू। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई पद्मभूषण से सम्मानित, पिचाई ने कहा मेरा एक हिस्सा है भारत। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले को अमेरिका ने किया नामित, देशों के रूप में 12 को किया नामित, उल्लंघन करने वाले देशों में पाक और चीन भी शामिल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल हुआ पास, विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास, अब राज्य में आरक्षण बढ़कर 76% हुआ। बंगाल में बम बनाने के दौरान धमाका, धमाके में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत, 2 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फाजिल्का के पास बीएसएफ की कार्रवाई, 7.5 किलो हीरोइन और हथियार हुए बरामद, सेना कर रही मामले की जांच। विश्व दिव्यांग दिवस में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा दिव्यांगों को भी मिले शिक्षा रोजगार के समान अवसर, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की जरूरत। संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज, 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, 23 दिनों में 17 बैठक होगी आयोजित। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की राहुल को नसीहत, बीजेपी नेता शहनवाज ने कहा बीजेपी को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली एमसीडी के लिए मतदान आज, इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला, 7 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, 5 दिसंबर को होगी दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार, यूपी में 5 दिसंबर को होंगे उपचुनाव, मैनपुरी रामपुर खतैली सीट पर होंगे उपचुनाव। बीजेपी जुटी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक। शिमला में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, 6 महीने बाद सीबीआई को सौंपी मामले की जांच, मामले में चंडीगढ़ सीबीआई ने दर्ज की 2 FIR। कानपुर में पुलिस की गुंडागर्दी से सब्जी बेचने वाले पर के पटकटे पैर, पुलिस ने सब्जी बेचने वाले को पीटा, तराजू पटरियों पर फेंका, तराजू उठाते समय ट्रेन की चपेट में आया व्यापारी। एमपी के धार जिले में फूड पॉइजनिंग का कहर, शादी समारोह में शामिल हुए 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान में गैंगस्टर राजू ठहर का दिन दहाड़े मर्डर, शिकर में घर के बाहर गोलियों से भुना लॉरेंस के साथी रोहित गोदार ने ली जिम्मेदारी। मुंबई के मलाड में एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड के 5 गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग पर पाया गया काबू। मद्रास के मंदिरों में मोबाइल बैन, हाईकोर्ट ने कहा पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी, मंदिरों में तैनात किए जाएंगे सुरक्षा कर्मी। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज, आज से चोट के कारण शमी टीम इंडिया से बाहर, बांग्लादेश में वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, उमरान को मिला बड़ा मौका। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, मेजबानी छीनी तो एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान, पीसीबी चीफ बोले भारत भले ना आए लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए। भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का बड़ा दावा, मलेशिया एयरलाइन पर लगाया सामान खोने का आरोप, बिजनेस क्लास में उड़ान भरते वक्त उन्हें खाना तक नहीं दिया। पूजा वस्त्रकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर, भारतीय महिला टीम की घोषणा, 9 दिसंबर से शुरू होंगे मुकाबले।